अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहां पे पहले तो हमें ए फाइंड करना है क्योंकि दे रखा है ए ट्रांसपोज, और फिर हम क्या करेंगे टू बी फाइंड करेंगे और फिर उनको ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो एक चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि ए का ट्रांसपोज, और अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए के इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये ए ट्रांसपोज है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये ए के इक्वल होगा। तो ए हम कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो होता है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये -2 3, ये सेकंड रो है तो 1 2, ए मिल गया। अब हमें फाइंड करना है टू बी, तो टू बी का मतलब क्या होता है, पूरी मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये -1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 है तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, और ये 2 आ जाएगा, और 2 2 4। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ए प्लस टू बी ये क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -2 ये -2, ये हो जाएगा -4। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, ये आ गया ए प्लस टू बी। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -4 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।